खुश नहीं रख सकती, इसका जिंदा रहने का क्या फायदा? आपकी बेटी ने आपको फोन करके बताया कि मेरी बोटी ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन क्या उसने आपको ये बताया कि मेरी बोटी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा? आपकी बेटी की वजह से मेरे वीर जी ने अपनी बोटी को कमरे से बाहर निकाल दिया। अगर आपकी बेटी इस घर की बहू होती और उसके साथ ऐसा होता, क्या करते आप? मैनू माफ कर दो, आज मेरी बेटी के कारण आपके घर में इतना तमाशा हो गया। आप कौन? मैं डॉक्टर अविनाश, अमन बग्गा यहीं रहती है, मुझे डॉक्टर खन्ना ने भेजा है। भाभी मैं आपके लिए गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ। बात तो फोन पे भी हो सकती है ना? तो तुम्हें देखता कैसे? हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? मुझे डॉक्टर खन्ना ने यहाँ भेजा है। वो अमन? हाँ हाँ जी आइए। राजवीर। हाँ जूनी, डॉक्टर खन्ना का फोन नहीं लग रहा है, उन्होंने कौन से डॉक्टर को भेजा है क्या पता? हाँ राजवीर, वो दूसरे डॉक्टर आया है। अच्छा आ गया क्या? ठीक है मैं भी आता हूँ घर। ठीक है डॉक्टर, कोई टेंशन की बात तो नहीं है? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ दवाइयां भी दे दी हैं। गर्म पानी से पेट सेकोगे तो दर्द में आराम मिलेगा। अब मैं चलता हूँ। भाभी मैं आती हूँ। मम्मी जी वो डॉक्टर के पैसे? अरे नहीं नहीं ठीक है, रहने दीजिए। अरे रहने क्यों देना है? मैनू पता है इसके पास कहां से आएंगे इतने पैसे। हेलो जी। अरे नहीं ठीक है। अरे नहीं नहीं रखो लो, आप तो जी अपना काम ही कर रहे हो ना। इस फल न देने वाले पेड़ के लिए भी डॉक्टर का खर्चा। न जाने क्या किस्मत लेके आए हैं मेरे बेटे। बड़े बेटे के पीछे वो 7.5 और छोटे बेटे के पीछे 13 रूप की अमावस। भगवान ही जाने ये ग्रहण हमारी जिंदगी से कब छूटेगा। चलिए अर्जुनी, कैसी हो तुम? देखो अमन भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड ठीक तो है ना? वो डॉक्टर आपको जाना चाहिए, मुझे काम है। Thank you.
तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? राजीव प्लीज नहीं, राजीव प्लीज उसे छोड़ दे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजीव प्लीज छोड़ उसे। राजीव क्या कर रहे हैं? शादी के बाहर के संबंध, अब किधर गई थी तेरी अक्ल घास चरने? तेरे इस गंजे सर ने ना मेरी इज्जत आबरू को मिट्टी में मिला दिया है। अब तू एक काम कर, इसको लेकर के ना फ्रेम कर और दीवार पे लगा दे और रोज जाके देखना उसको। यही नहीं है, ये देख सोशल मीडिया देख। अरविंदर सिंह बग्गा जो कि कुछ शादीशुदा है, उन्हें एक अविवाहित लड़की के साथ एक होटल में देखा गया। विवाहित होने के बाद भी ऐसी हरकतें करने वाले राजनेता क्या हमारे देश, हमारे समाज का भविष्य बना पाएंगे? ये औलाद पैदा किए तूने हैं? दो दो मुस्टंडे लड़की बाजी के रेस में दोनों आगे। कभी ये कहता मैं आगे, कभी वो कहता वो आगे। कुछ ख्याल भी है कि मेरी पोजीशन क्या है? ये सोसाइटी में लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा क्या? क्या ये पत्रकारों का है लफड़ा या विरोधियों की चाल है? क्या कहूंगा? मांगीराम सबको बोला। ठीक है साथी। राजवीर काका जी चले। अजुनी भाभी, अमन भाभी, पापा जी क्या हुआ? क्या हुआ? इसको जानता है? आप लोग जानते हैं इसको? ये पता कौन है? अरविंदर सिंह बग्गा, मेरे बड़े बेटे, दिमाग से खाली, बस उतावला हुआ हुआ है। मेरी शादी करा दो। बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। अरमन, मैंने ना इसकी शादी करा देनी है। वो लड़की नहीं है खुराना? और क्या है खुराना यार? शिका खुराना, उससे ना इसका ब्याह करा देना। मैंने अरे जो न्यूज बर्थडे की आनी चाहिए, जहां इसके छिछोरे पन गए पोस्टर छपे उधर। सोचो जब देखो वो टिक दे दो। इसका दूसरा ब्याह होगा, सुन लो तुम लोग। तूने तो वारिस देना नहीं मेरे को, है ना? मैं अपने बर्थडे वाले दिन ना अरमन अनाउंसमेंट होगी तेरे ब्याह की। और जिसको जो करना है कर ले, जो करना है ना कर ले। भाभी अभी ठीक लग रहा है ना आपको? आप आराम करो। अरे रे रे, ऐसे लेटे लेटे कैसे काम चलेगा? आज उनका जन्मदिन है और तेरे लिए तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज राजवीर के डैडी जी अरविंद और शिखा के ब्याह की अनाउंसमेंट करने वाले।
आज पापा जी का जन्मदिन है, पूरा हरियालीपुर यहाँ पे इकट्ठा होने वाला है, उनके सामने पापा की इज्जत रख लेना। सॉरी राजवीर, मैं गलत बात को बढ़ावा नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर जो तुझे करना है कर, लेकिन सुन, इसके बाद किसी भी चीज के लिए मेरे भरोसे मत रहना। ये क्या कर रहे हैं आप? फिर अच्छा हुआ तू आ गई, ले अपने सारे कपड़े और निकल यहां से। आज के बाद तेरा कुछ भी सामान मुझे इस कमरे में दिखना नहीं चाहिए। लेकिन सुनाई नहीं दिया तुझे? हैं? सुनाई नहीं दिया? खुल गए तेरे कान या और खोलूं? चल सामान ले और निकल यहां से। और तेनू पता है ना यार, डैडी जी मेरे विवाह का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। चल सामान ले और निकल यहां से, इस कमरे से निकल। सुनिए, ऐसे मत कीजिए, मुझे मत निकालिए। तुझे यहां से ना निकालूं है? कोई बात नहीं, चल मैं ही लेके चलूं। ये ले, आज से इस कमरे से तेरा हक खत्म, इस कमरे से भी और मेरे से भी। चल निकल निकल, सुनाई नहीं दे रहा तुझे, निकल चल। सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।